नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा में सरपंच करेंगे सरकारी कार्यक्रमों का बॉयकॉट, बैठक में लिया गया फैसला। 22 जुलाई तक सरकार करे बात, 25 से आंदोलन का ऐलान। रोहतक के दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक में सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रधान व ब्लॉक प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लेकर 22 जुलाई तक सभी सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर 22 जुलाई तक संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तो 25 जुलाई को बैठक करके बड़े आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा है कि सरकार अब सरपंचों को घोषणाएं करके बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन सरपंच उनके झांसे में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक सरकार बात करके पंचायतों के अधिकार देती है तो ठीक, नहीं तो 22 के बाद कोई बात नहीं की जाएगी। सरपंच एसोसिएशन 25 जुलाई को प्रदेश स्तरीय बैठक कर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा के 3 शहरों में बारिश की संभावना। यमुनानगर अंबाला में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेगी। हरियाणा में मानसून की गति पिछले 2 दिनों से धीमी पड़ गई है। कुछ शहरों को छोड़कर पूरे प्रदेश में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने बुधवार को यमुनानगर अंबाला पंचकुला में हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। बता दें कि इस बार मानसून ने 28 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। शुरुआती दौर में दक्षिणी जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह के साथ साथ सिरसा, फतेहाबाद में अच्छी बारिश देखने को मिली थी, जबकि अन्य जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 8 जुलाई के बाद से प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ बना हुआ है। हिसार में इनेलो नेता के ठिकानों पर ईडी की रेड, 2 व्यापारियों के घर भी कार्रवाई। कई घंटों से रिकॉर्ड खलांग रही टीम। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन ईडी की रेड अलग अलग नेताओं और व्यापारियों पर जारी है। इस कड़ी में हिसार में ईडी में सुबह 7 बजे इनेलो के वरिष्ठ नेता राम भगत गुप्ता के ग्रीन पार्क स्थित घर और उनके बेटे संजय गुप्ता के ऑटो मार्केट स्थित महिंद्रा शोरूम पर रेड की। सुबह से ही ईडी की टीम की कार्रवाई जारी है। इस दौरान घर और शोरूम के अंदर किसी को नहीं आने दिया जा रहा है और ना ही बाहर जाने दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई जीएसटी चोरी से जोड़कर देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार शहर के अर्बन स्टेट एरिया में कोठी नंबर 2 स्थित अंजनी खारियावाला के आवास पर ईडी की रेड जारी है। अंजनी खारियावाला अग्रसेन भवन के प्रधान है, उनके आवास पर ही सुबह से ही ईडी की रेड जारी है। वहीं हांसी की अनाज मंडी में एक व्यापारी के कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि इनेलो नेता राम भगत गुप्ता के बेटे संजय गुप्ता की महिंद्रा शोरूम पर 24 जून को 3 बदमाशों द्वारा 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग शोरूम पर किए गए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गए थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ने में असफल रही। हाईकोर्ट का आदेश, 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोले हरियाणा सरकार। कहा, शुभकरण की मौत शॉटगन से हुई, ऐसा लगता है गोली किसानों की तरफ से चली। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा, सरकार 1 हफ्ते में रोड क्लियर करे, वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है, किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से कोई नहीं रोक सकता। शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। जींद में किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम, खेतों में बिजली कट से भड़के, बोले लाइनमैन से जेई तक कोई नहीं सुन रहा। हरियाणा के जींद में खेतों की बिजली नहीं आने से खफा किसानों ने बुधवार को दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर खरगपुरा गांव के पास जाम लगा दिया। जाम लगने के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।
उचाना थाना पुलिस तथा बिजली निगम के SDO मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर करीब एक घंटे बाद जाम खुलवाया। बुधवार दोपहर को गांव खरकभूरा, सफाखेड़ी और तारखा के लोग एकत्रित होकर जीन नरवाना नेशनल हाईवे पर आ गए और यहां ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर जाम लगा दिया। जाम लगा रहे किसानों विकास, सुनील, रामकिशन दहिया ने बताया कि धान की रोपाई का काम पीक पर आ चुका है, लेकिन बिजली निगम द्वारा समय पर बिजली नहीं छोड़ी जा रही। बिजली आती है तो बार बार कट लग रहे हैं।